नमस्ते दोस्तों, मैं कुलदीप आपके लिए अनदर वीडियो के साथ। आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि टॉप आईटी सेक्टर में से दो स्टॉक है जिसके बारे में आपको ये आपके पोर्टफोलियो में होना ही होना चाहिए। और ये आईटी सेक्टर में आज क्यों बता रहा हूँ, आईटी सेक्टर में आपको है ना एक स्पेशल थिंग है। कोई भी अगर आप अभी देख के आप कैसे देख रहे हो ये वीडियो, आज जो मुझे आप देख रहे हो वो कैसे देख रहे हो, आपके हाथ में क्या है, मोबाइल है। तो ये मोबाइल क्या हुआ, मोबाइल में जो इंटरनेट हुआ ये सारी चीज़ें वो आईटी के रिलेटेड हुआ है। तो आप एक चीज़ तो ध्यान में रखियो कि आईटी जो इंडस्ट्री ना इस मार्केट में से कभी वैनिश नहीं होने वाली है। ये लॉन्ग टर्म वाला सेक्टर है, ऐसे चलने वाला है जो घोड़े के चाल के जैसे आगे आगे चलने वाला है। तो इसीलिए मैं आईटी सेक्टर में आपको एक दो स्टॉक की बात करूँगा और उसमें के पहला स्टॉक है इन्फोसिस। दोस्तों आपने हमेशा सुना होगा कि इन्फोसिस में अगर आपने 1987 में अगर 1000 रुपये लगते तो आज करोड़ रुपए हो जाते थे। हालांकि हमेशा सुना, और हालांकि अभी भी कोई मौका गया नहीं है क्योंकि ये नारायण मूर्ति जी की जो कंपनी है ना करीबन 30 साल पहले जो स्टार्ट किया था उन्होंने पूना में। मैं हालांकि इसका पर्सनल एक इंसिडेंट भी बताऊं, मैं जब पूना में करीबन 4 से 5 साल पहले गया था तो इन्फोसिस जो कंपनी है ना वहाँ पे मैंने खुद वहाँ पे एंटर करके मैंने वो कंपनी का ना जायजा दिया था। हालांकि मैं गया था कुछ अलग काम से, बट हमेशा मैं ध्यान रखूंगा कि ये कंपनी में इन्वेस्ट करने के पहले मुझे हमेशा एक सेटिस्फेक्शन है कि इस कंपनी में मैं खुद एक फिजिकली विजिट देके गया था। अगर इसकी प्राइस की बात करो, अभी फिलहाल जो प्राइस है आप स्क्रीन पे भी देख पा रहे हो कि 692 रुपीज चल रहा है। और इसमें एक मजेदार बात बोल रहा हूँ, आप अगर है ना ticker.com पे अगर जाके एक बार देखियो, इसका जो इंट्रिंसिक वैल्यू है ना वो करंट वैल्यू से ना बहुत ज्यादा है एक्चुअली। मतलब ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहा है आपको। अगर इसके 52 वीक हाई और 52 वीक लो के बारे में बोलूं तो 52 वीक का हाई वो 847 रुपीज का, 509 का करीबन आने अभी जो मंदी हुई थी उस मंदी में इसने 52 वीक का लो टच किया था। तो ये बहुत अच्छे वैल्यूएशन मिल रहा है इसका। अगर ग्राफ ओवरऑल अगर आप देखोगे तो ग्राफ के बारे में बोलने की जरूरत नहीं, आप मैक्सिमम टाइम फ्रेम में देखियो तो इसका जो ग्राफ है ना ये करीबन ऐसे ही है, 90 डिग्री वाला है। और इसमें मार्केट कैप के बारे में बात करूँ एकदम शॉर्ट एंड सिंपल में बोलूँ 2,94,000 करोड़ है इसमें। बहुत अच्छा है, इंडिया के टॉप 5 कंपनीज में अगर पकड़ेंगे आप तो भी बहुत टॉप लेवल की कंपनी है। इसके बाद आपको डिलीवरेबल देखो यार, आपके होश उड़ जाएंगे। डिलीवरेबल देखोगे ना आप क्वांटिटी, वो 44% है इसका डिलीवरेबल क्वांटिटी। तो इसका अगर ओवरऑल देखोगे आप, फंडामेंटल हो गया, पी रेशियो, ईपीएस रेशियो बहुत हेल्दी है। आप इसमें अगर देखोगे, अगर इसमें मैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में चला जाता हूँ, अभी रिसेंटली जो मार्च क्वार्टर वाला जो रिजल्ट आया उस क्वार्टर रिजल्ट में आप देखोगे तो इसमें बहुत अच्छा इसने मुनाफा इनकम देखियो। इसका आय जो है ना वो 81,747 करोड़ है। एक्सपेंसेस भी बहुत माइनर बोले जाएंगे लास्ट कंपेयर करेंगे तो। और इसका जो प्रॉफिट है वो भी बहुत अच्छा है, करीबन 20,477 करोड़ का है। तो अभी फिर चलते हैं हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में, क्योंकि अगर कोई भी कंपनी का अगर आपको लंबी अवधि के लिए लेना है ना तो आपको इसका शेयर होल्डिंग पैटर्न आप इसको स्किप नहीं कर सकते। शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बात करूँ तो आपको 13.17% है प्रमोटर्स का, ठीक है। प्रमोटर्स का जो स्टेक है वो भी अच्छा है, हेल्दी है। FIs का देखो, FIs और DIs ने करीबन 80% इन लोग ने ही भरा है। आप देख पा रहे हो स्क्रीन पे 30.98% है FIs का। DIs ने भी कम नहीं है, DIs भी करीबन 45.49% है। और अदर्स में हम लोग देखेंगे ना करीबन 10% जो है अदर्स में। तो ओवरऑल अगर देखोगे तो बहुत अच्छी कंपनी है। इसमें लॉन्ग टर्म के हिसाब से जैसे आप सोचते हो ना बैंक में आप जैसे FD लगा देते हो वैसे आप में इसमें भी आपको है ना एक अच्छा अमाउंट लमसम अमाउंट डाल देना है। बस हर डिप में आपको है ना थोड़ा इसमें एवरेज करते रहना है, ठीक है। तो अब ये इन्फोसिस एक हो गया। दूसरा स्टॉक मैंने जैसे आपको बोला था, दूसरा स्टॉक है वो TCS है। TCS के बारे में खैर मैं आपको क्या बोलूँ ज़्यादा, क्योंकि TCS आप जानते ही हो। TCS जो है टाटा जी का जो ग्रुप है बहुत अच्छा है, वर्सेटाइल कंपनी है इंडिया का। इनका जो मेजर बिजनेस है वो अब्रॉड चलता है, US बेस्ड बहुत अच्छा है इन लोग का बिजनेस है। TCS की अगर बात करूँ तो फिलहाल जो ट्रेड कर रहा है वो 2040 में ट्रेड कर रहा है। अभी अगर 52 वीक का लो अगर देखोगे ना तो आपको बहुत अच्छे सस्ते रेट में मिल रहा था, 1506 रुपये मिल रहा था। और 52 वीक का हाई देखो आप 2296 है, तो करीबन दोनों के बीच में ही लगभग 52 वीक के हाई के पास थोड़ा ट्रेड कर रहा है। इसमें आप है ना लंबी अवधि वाला चार्ट देखियो तो आपको पता चलेगा कि इसमें इन्वेस्ट क्यों करना है, समझ रहे हो आप। इसमें है ना एक मार्केट कैप की बात करूँ तो मार्केट कैप भी बहुत देखियो, मार्केट कैप देखियो 765,000 करोड़ का मार्केट कैप है। बोलो
बहुत बढ़िया कंपनी है ये, कैप मार्केट कैप में तो ये करीब टॉप थर्ड 3-4 कंपनीज में आ जाएगा ये मार्केट कैप के बारे में। इसका डिलीवरेबल क्वांटिटी भी है, डिलीवरेबल क्वांटिटी से आपको पता चल जाता है 30% है, और इससे पता चल जाता है कि लोग कितना इंटरेस्टेड है इसमें लेके जाने के लिए, माल लेके जा रहे हैं घर पे बिल्कुल। इसमें बात करता हूँ डायरेक्ट शेयर होल्डिंग पैटर्न में, बिकॉज इसका जो फाइनेंशियल रिजल्ट है वो बहुत अच्छा आया था, भले क्योंकि इसका जो क्वार्टरली रिजल्ट है वो बहुत अच्छे आते ही आते हैं, क्योंकि इनका जो बिजनेस है ओवरऑल ऑनलाइन होता है। इन लोगों को कुछ कोई लॉकडाउन हुआ या कुछ भी स्ट्राइक हुआ, इससे कुछ मोटा मोटी फर्क नहीं पड़ता है। तो आप अगर देखना चाहते हो तो इसमें प्रॉफिट एंड लॉस वाला जो स्टेटमेंट इसमें देख लियो। शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात जरूर करूंगा, क्योंकि शेयर होल्डिंग पैटर्न में ना 72% ना प्रमोटर्स में खुद के पास ही है, 72% है। इस प्रमोटर को कंपनी पे इतना भरोसा है कि खुद के पास ही 72% इनके शेयर्स है, स्टेक जो है ना वो उनके पास ही है। अब बचे हुए जो है वो FIs के पास है, DIs के पास है। तो मोटा मोटी करके ना बहुत अच्छी कंपनी है, इसमें मैं 100% बोलूंगा आप इसमें पैसा, आपके पोर्टफोलियो में ये शेयर होना ही चाहिए। और इसी के साथ में दो स्टॉक बताने के बाद आपको और भी कोई बैंकिंग हो या और भी काफ़ी सारे सेक्टर्स के बारे में, मैंने टॉप 2 स्टॉक्स का एक प्लेलिस्ट बना दिया आपको, इसका लिंक है ना आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप मेरे वीडियोस में भी अगर प्लेलिस्ट में भी जाओगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। इस वीडियो को अगर आपको सही लगा है, अच्छा लगा है, तो जरूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ।